अच्छा हमको सिखा रहा है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ गेमिंग एंड टेक यूट्यूब चैनल। और गाइस आज हम बात करने वाले हैं विंडोज 11 के बारे में। तो गाइस ये विंडोज 11 क्या है, क्या विंडोज 11 रियल में रिलीज होने वाली है, और रिलीज होने वाली है तो भाई स्पेक्स क्या है, डेट क्या है वगैरह वगैरह, भाई क्या मतलब विंडोज गेमिंग के लिए है, क्या कुछ गेमिंग में फायदा होगा या कोई दिक्कत वाली बात हो सकती है। तो गाइस फीचर्ड कॉन्सेप्ट अपडेट्स, विंडोज 11 फीचर्ड कॉन्सेप्ट अपडेट्स, गाइस हम पूरी विंडोज 11 के बारे में बात करेंगे। तो कॉन्सेप्ट अपडेट्स होती है बड़ी अपडेट्स, डायरेक्ट ही नए वर्जन आएंगे। विल देयर बी विंडोज 11? यस, विंडोज 11 इज गोइंग टू लॉन्च इन July 29, 2021। आफ्टर दैट यू कैन गेट अ विंडोज 11 कॉपी फॉर योर पीसी। ठीक है, मतलब विंडोज 11 रियल में आने वाली है, और ब्लेंडिंग डेस्कटॉप एंड मॉडर्न यूजर इंटरफेस, तो मतलब काफी नई विंडोज है। विंडोज 8 वाला स्टार्ट मेन्यू जो है वो नहीं होगा, पार्ट ऑफ द वर्क वाज स्टार्टेड विंडोज 8.1 डेस्कटॉप विंडो मोड और ये सब आएगा। विल देयर बी अ फ्री विंडोज 11 फ्री अपग्रेड? मे बी यस, विंडोज 11 बीटा वर्जन विल बी फ्री फॉर द यूजर्स टू टेस्ट द इंटरफेस फॉर नाउ फॉर न्यू ओएस, सो यू गेट रेडी टू अपग्रेड योर विंडो टू विंडोज 11। ठीक है गाइस, विंडोज 11 ये तो पक्का है कि रियल में रिलीज होने वाली है। तो गाइस बात करते हैं विंडोज 11 के बारे में अब, और कि भाई विंडोज 11 में क्या कुछ गेमिंग में फायदा होगा। डाउनलोड विंडोज 11 इज फ्री बाय यू में बाय की टू फुल एक्टिवेट योर विंडो न्यू विंडोज। ठीक है, हाउ डू आई अपग्रेड विंडोज 11? तो गाइस सिंपली डाउनलोड करनी है विंडोज 11, और गाइस सिंपली आपका ओएस जो अपग्रेड हो जाएगा, जस्ट लाइक विंडोज जस्ट लाइक गाइस मीडिया क्रिएशन टूल का यूज करके हमने विंडोज 10 अपडेट करी थी, उसी तरह से होगा ये भी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, यस यू कैन डाउनलोड इट वाय इट्स ऑफिशियल डाउनलोडिंग पेज, एंड शुड आई वेट फॉर विंडोज 11? यस, इफ यू रियली वांट टू बाय अ न्यू कॉपी ऑफ विंडोज देन यू मस्ट वेट फॉर सम टाइम टू गेट द कॉपी ऑफ न्यू विंडोज। कैन आई डाउनलोड विंडोज 11 फॉर फ्री? डाउनलोडिंग विंडोज 11 इज फ्री बाय यू मे बाय की टू फुली एक्टिवेट योर विंडोज। कैन आई अपग्रेड विंडोज 10 टू विंडोज 11? यस, you can give a try to a new version of Windows, because of this you may notice some new features and changes. So guys, jo most important mujhe pata pada tha feature jo Windows 11 Microsoft ne add kara, wo ye ki yaar Xbox ko zyada priority di. Windows 10 mein normal Xbox aata tha jiski size hoti thi 1-1.5 GB, lekin guys 2.5 GB tak pahunch chuka hai Xbox Windows 11 mein, aur is wajah se guys jo Xbox hai wo stream to kar hi sakta hai, lekin guys Microsoft cha raha hai ki jitne bhi users स्ट्रीम करते हैं या गेम रिकॉर्ड करते हैं वो एक्सबॉक्स गेम बार का ही यूज करें, और कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज ना करें, चाहे वो OBS हो चाहे वो कोई भी हो, यूज नहीं करें। डीपर इंटीग्रेशन विद एजोर फॉर क्लाउड स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट एजोर आईडी का नाम आपने सुना होगा गाइस, माइक्रोसॉफ्ट एजोर से भी अपनी अर्निंग करना चाह रहा है, और इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने जो एजोर है उस पर क्लाउड स्टोरेज के लिए ज्यादा इंटीग्रेशन, मतलब उस पर भी ज्यादा फोकस करा है और उसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करी है। इम्प्रूव सिक्योरिटी गाइस, अगर आप विंडोज अपडेट करोगे तो सिक्योरिटी इम्प्रूव होगी होगी। ओनली 64-bit एडवांस पावर मैनेजमेंट, दिस इज ऑलरेडी एक्सपेक्टेड। माइक्रोसॉफ्ट डिड एन एक्सीलेंट जॉब विद विंडोज 8 एंड 8.1 पावर मैनेजमेंट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सपेक्टेड टू मेक द ओएस मोर एफिशिएंट इन न्यूअर वर्जन ऑफ विंडोज। बाकी का इम्प्रूव गेस्चर इंटीग्रेशन, जो गेस्चर रिकॉग्निशन होगा वो विंडोज 11 में अच्छा होगा। ओनली 64-bit विंडोज 11 खाली 64-bit में आएगी, मतलब आप 32-bit यूज नहीं कर सकते हैं। तो मतलब 2 GB रैम मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगी 64-bit, ज्यादातर जो 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी 2 GB रैम मिनिमम रहती है। व्हाट इज कॉर्टाना इन विंडोज 11? गाइस विंडोज 10 में जैसे नॉर्मल कॉर्टाना आया था, वैसे ही विंडोज 11 में भी कॉर्टाना है, लेकिन विंडोज 11 में कॉर्टाना को और इम्प्रूव करा गया है, उसके नए फीचर्स आए हैं, उस पर अपडेट सही है। तो गाइस ये थी विंडोज 11 के बारे में नॉर्मल बातचीत। अब इसके आगे बढ़ते हैं, तो व्हाट इज स्पार्टन इन विंडोज 11? What is the Continuum in Windows 11? During the January 21 event, Microsoft demonstrated its Continuum approach to develop Windows 11. Or overlay keyboard surface, so like a laptop when the tablet is connected to an overlay to the keyboard, which is technically then so the keyboard is in your small icon appears to be the asking you to activate the tablet mode. Tablet mode bhi aa jayega. ठीक है, उसके बाद Spartan है। Spartan यानी माइक्रोसॉफ्ट गाइज, बहुत जने माइक्रोसॉफ्ट आपने देखा होगा कि यार बहुत जने जो है मतलब बहुत सारे ब्राउजर यूज करते हैं। मैं अभी ब्रेव ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, कभी फायरफॉक्स यूज करता हूँ, कभी माइक्रोसॉफ्ट एज यूज करता हूँ, कभी गूगल क्रोम यूज करता हूँ। तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि गूगल क्रोम को यूज ना करके लोग स्पार्टन को यूज करें। स्पार्टन मतलब गाइज
some new features of the new browser. Guys, Spartan जो है ना वो not a replacement for Internet Explorer. मतलब Microsoft का it is a second browser. Microsoft का main browser Microsoft Edge तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ Spartan आ जाएगा, दो browser आ जाएंगे. मतलब यहाँ से भी Microsoft जो अपना profit का सोच रहा है, अपना फायदा निकालने का सोच रहा है. फिर गाइज हम थोड़ा नीचे बढ़ते हैं तो what will be the corporate license look like in Windows 11. As we discussed detail here, Microsoft has published. So guys, ये है download और सेम टाइम पे आप सेम वेज में कर सकते हो ये भी. व्हाट अबाउट विंडोज 11 एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो गाइस जो चेंजेस एक्सपेक्टेड है वो रूमर्ड भी है यहाँ पे लिखा है. और विंडोज 11 डायरेक्ट बड़ी बड़ी अपडेट कॉन्सेप्ट अपडेट्स आएंगी. तो गाइस ये था विंडोज 11 के बारे में. विंडोज 11 के 6 वर्जन्स, विंडोज 11 होम, प्रो, एजुकेशन, एंटरप्राइज, मोबाइल और मोबाइल एंटरप्राइज. उसके बाद जो गेमर्स हैं वो विंडोज 11 प्रो के साथ जाएंगे, जैसे कि विंडोज 10 प्रो गेमर्स के लिए बनी है वैसे ही. उसके बाद गाइज और बात कर लेते हैं विंडोज 11 के बारे में. तो विंडोज 11 में गेमिंग पे ज्यादा कॉन्सेप्ट जो करा है वो है एक्सबॉक्स के ऊपर. और माइक्रोसॉफ्ट चाह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ही आप सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें, कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से ना करें. तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अब गाइज जिस दिन विंडोज 11 रिलीज होगी गाइज उस दिन हम विंडोज 11 डाउनलोड भी करेंगे और गाइज मैं आपको इंस्टॉल करना भी बताऊंगा. और गाइज फिर हम देखेंगे कि क्या विंडोज 11 हमारे लिए अच्छी है नहीं है, क्या गाइज आपका उसमें फायदा है नहीं है, ये सारी बातें करें.